सही है। चांद की जो है वो अंग्रेजी की जो है ना वो है। आपको हमारी तरफ से कांड है। बहुत खुशी है। ओ। अभी तो गर्मी नहीं है। तरफ से मौसम चेक करें आप। क्या कपड़े धोने का डे। वैसे तो आप देखें चल गई है, बंद हो जा सिलसिल। ओ झज्जू क्या देख रहे हो झज्जू? हाँ पक्का चलता खड़े। वो भी खा लेना, ये अबू को खाने दो। नहीं पता नहीं वो जहरीले होते हैं पता नहीं क्या। ओ खैर मेरी कोयल मामू भी आ गई है। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठे हाथ से खा। दो दिन हो गए हमारे साथ बड़ा मसला चल रहा है। और ये सोलर सिस्टम ये चेक करें। अबू लेके जा रहे हैं अभी चराने के लिए। तीन हाथ में आ गया है। और अब पानी ढेर ना लगाओ वो भी सारे कपड़े सुकड़े पाए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक के फजल व करम से आज का वीडियो स्टार्ट करता है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले सब्सक्राइब। तो वीडियो शुरू हो चुकी है। वाह आज जुमे का दिन है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और दुआ करते हैं इस नेक दिन के सदके जो मेरे बहन भाई जो मेरे रिश्तेदार जो मेरे देखने वाले बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली और बच्चों के साथ। जोर कैसे करते हैं ये क्या किया है? चलो वो भेड़ें आ गई हैं। चलो मैं तो आप सलाम करो। चलो कलमा सुनाओ। आता है आप दोनों को? नहीं आता ये तो गलत बात है। कलमा तो आना चाहिए, सुनाया करो। चल सुनाओ। हाँ जोर से सही सुनाया है, जोर से सुनाओ। ऐसे सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? ऐसे सुनाते हैं। आप जो है ना हौले हौले सुनाती हो, पहले सही सुना रही होती हो फिर उल्टा सुना देती हो। वो भेड़ों को बाहर भगाओ, पता नहीं किन की भेड़ें आ गई हैं। वो लकड़ लेके ना पता नहीं किन की भेड़ें आ गई हैं। दरवाज़ा खुला हुआ है ना छोटा, वो आ गई हैं वो भी इधर। भगा दो भगा दो भगा दो। खैर रात को बारिश नहीं आई थी, बस वो दिन को जो आई थी वो ही आई थी। किसकी भेड़े पता नहीं आ गई हैं इधर आपके घर। और मौसम जो है वो भी इतना ज़्यादा जो है ना ख़राब नहीं है, साफ़ है। ये चेक करें हल्के हल्के से बादल हैं और हवा अभी तक नहीं चल रही है। मौसम अच्छा है। कल बारिश हुई ना हल्की हल्की सी, ठंडक तो है, अभी हवा नहीं चल रही। जैसे धूप निकलेगी फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। पता है आपको? अभी तो गर्मी नहीं है। अभी नहीं है, जब धूप निकल रही है ना, अभी सूरज निकल रहा है, जब फल निकलेगा तो फिर पता चलेगा गर्मी है कि नहीं। इसलिए दुआ करो हवा चल आए। क्या चल आए? हवा। हाँ जी तरफ से भी मौसम चेक करें आप। और सूरज ये देखें कहाँ खड़ा है। सिद्रा भी उठी हुई है सुबह सुबह। हाँ जी सुबह सुबह उठी थी, आज मशीन लगानी थी। आज का न्यू काम कपड़े धोने हैं। हाँ। कपड़े धो वो जो है ना कुछ जो है ना। हाँ। हमें भी सहूलत मिले। दो दिन हो गए ये शर्ट और ये पहनी हुई है। हाँ, एक सलवार सारे कपड़े हमारे, इसलिए आज मैंने कहा कपड़े धो देती हूँ फिर जो भी होगा वो देखेंगे। हाँ क्योंकि कपड़े धुले हुए नहीं है, ये घर के काम काज में ना मिट्टी डाली है और बर्तन सारे धो के साफ़ करके रखे हैं और कपड़े सिलाई
काम इतना बिखरा पड़ा है, टाइम ही नहीं मिलता। कपड़े हमारे जितने धो के रखे थे सारे खत्म हो गए, सब के बच्चों के हमारे। चलो सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह जो है ना आज मेरा वो क्या कपड़े धोने का डे। वैसे तो आज जुम्मे का डे है, कपड़े धोने का तो नहीं है। हाँ जुम्मा भी है लेकिन मेरे कपड़े धोने का है। आज जुम्मा भी है, सबको जुम्मा मुबारक। मैंने तो कह दिया था, सिद्रा ने कहना था इसलिए मैंने साथ कह दिया। तो जी सिद्रा ने आज जो है ना सुबह सुबह लगाई हुई है मशीन कपड़े धोने के लिए। आज सारा दिन लगता है मेरी बेगम साहबा कपड़े धोती रहेगी क्योंकि काफी सारा लंडा लगा हुआ है। देखेंगे जब तक धुलेंगे धोएंगे, धोने तो है बिल्कुल। मशीन दूसरी खराब हुई है नहीं तो उसको भी बनवा के दोनों साथ में लगा लेते। वो तेरी खैर हो। हाँ। एक ही बार में वो जो पहले खराब हुई थी। हाँ। कई बार उसको कोशिश तो की है बनवाने की लेकिन वो बन ही नहीं रही। हाँ वो उसको ना शहर, बड़े शहर में ले जाना पड़ेगा। बड़े ये ऐसे कहो ना, उसको बड़े से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ। चलो ढूंढते हैं कोई बड़ा सा डॉक्टर, अच्छा सा मिल जाता है तो उसका इलाज करवाते हैं। हाँ जी, ऐसे तो फिर शादी के कपड़े होंगे, मेहमानों के सब के, फिर एक मशीन पर कैसे धुलेंगे। चलो अल्लाह खैर करे, उसका भी हाल निकालते हैं। हाँ जी। क्यों घबराती हैं आप, टेंशन ना लिया करें। टेंशन से बंदा बूढ़ा हो जाता है और काला हो जाता है। नहीं होता नहीं। काला नहीं होता, भले बूढ़ा हो जाता है टेंशन से। हाँ, ये तो है, ये बात है ना। हाँ। इसीलिए कहता हूँ टेंशन ना लिया करें, जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी तो फिर ऐसे कहेंगी दादियों की तरह, वो कर लें ये कर लें, फिर क्या फायदा। और उनके काम चेक करें, नीचे उतर जाओ, गिर जाओगे, नीचे उतर जाओ। ये देखें जी, एक दो तीन चार ठेरियाँ लगाई हुई हैं इधर कपड़ों की, और मशीन देखें इधर वो भी बंद हो गई है, मशीन की चाबी ख़त्म हो गई है। चल जा सिर्फ, अब देखें ये चल गई है। इधर आओ ढोलू, क्या कर रहे हो, आगे आ जाओ आगे, क्या कर रहे हो। हाँ खेल रहे हो, और कौन खेल रहा है आपके साथ। अवेश किधर है, ये अवेश है। वाह जी वाह, टैंकी भर गई है, मोटर बंद कर दो, बंद हो जा सिम सिम। पहले पाइप लगाया हुआ था उधर से बाहर पानी जाता था, अब जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि ये जो है ना पैप निकाल के इधर कमरे वगैरह धोने के लिए इधर लगा दिया, क्योंकि दूसरा पैप तो था छोटा, इस वजह से अभी पानी सारा इधर ही गिरता है। ओ झज्जू क्या देख रहे हो, झज्जू हैं लस्सी बनती देख रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, गिर जाओगी, ना करो ना करो, रोने लग जाएगी। झज्जू गंदे, आप झज्जू हो, बलों की तरह देख रहे हो। अम्मी बना रही है ना इधर लस्सी बैठ के, तो ये ऊपर बैठ के देख रहे हैं कैसे बनाते हैं लस्सी। अब उठा लिया तो आप इधर देख रहे हैं क्या है, है? बालिया दे हाँ, पक्खा चलता खड़े, बलूरी क्या करती पई है, बोलो मम्मा मम्मा, वडी अम्मा किथे है, वडी अम्मा वाह फातिमा पक्खा बंद की गए। ओ ओ कैसे ने बंद किया है, पक्खा बंद हो गया। हाँ। खिलती है, बातें करती नहीं है। हाँ, बातें अभी नहीं करती। बोलो मम्मा पापा बोलो, गिर जाओगी, बैठ जाओ। बस इसको जो है ना ऐसे नीचे देखना अच्छा लगता है और बातें वगैरह नहीं करती है। नहीं ढांदी ना, हाँ नहीं ढांदी,
ओ, ओ, आ, क्या कर रही हो? आराम से बैठ नहीं सकती हो हैं? हाँ, आराम से बैठ जाया करो हैं। और ये देख कर जी लस्सी अभी अभी मेरे ख्याल बनाना शुरू किया है या अभी अभी बर्फ डाली है? बुलबुले बड़े हुए हैं, बुलबुले बड़े हुए हैं ना। आन गई लस्सी, मक्खन तैयार हो गया, निकाला तो नहीं है अभी? निकाल रही हूँ, कटोरी धोने जा रही हूँ। कटोरी ढूंढ रही हो? ले आओ फिर दिखाते हैं मक्खन निकालता हुआ। करीम बीबी उठ गई हो? क्या खा रही हो? रोटी। रोटी तो अभी पक्की नहीं है, पक गई है। क्यों चले गए हो? सारी चारपाई की छेको ही तोड़ दी है, खुश हो रही हो अब? मैंने मेरे भाई छोटे ने तोड़ा है। अच्छा, आपके छोटे भैया ने तोड़ा है? बैठा वो फातमा आ जाओ। ये देखें, इतने से कपड़े निकाल दिए हैं, फिर और डाल दिए हैं। जल्दी जल्दी से धुल जाए ना, लेट ना जाए, फिर मसला नहीं है। वो सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, ये रात वाली रोटी जो रखी थी वो खा रहे हैं आप। अभी और ताज़ी पक रही है, वो खा लेते हैं। सुबह सही है, सुबह रात वाली सही है। अच्छा, चलें जी, सालन भी रात वाला और रोटी भी। और जब भी अबू को रोटी खाते हैं सारे आके मिल जाते हैं। किधर आए हो? केंदे नाल अबू नाल रोटी खान आए हो? बड़े तुसा फिर मैनू बदमाश बंदे लगते हो। अबू की सारी रोटी खा जाओगे फिर वो क्या खाएगा हैं? अभी बोल, जाएगी। पक जाएगी है। आप वो भी खा लेना, ये अबू को खाने दो। नहीं नहीं, क्यों? अबू के साथ खाएंगे। हाँ, और कोई काम नहीं है। ये देखें, तंदूर में छड़ियाँ डाली हुई हैं, लकड़ियाँ इधर से आ रही है। अम्मी कटोरी धो रही है। क्या बात है, ओह क्या हो गया है, क्यों गुस्सा हो गई हो? सारी लकड़ियाँ उठा उठा के बाहर फटक रही हो? नहीं, ये दरवाज़ा मैं खोलूँगी तो सारी भेड़ें बाहर आ जाएंगी, इसलिए उठा के बाहर फेंक रही हूँ। इंतज़ार में खड़ी हैं कब दरवाज़ा खुले और हम जाएँ। ओहे हाँ, इनके तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जाएं बाहर। आज इनको जो है ना ट्यूबवेल पे नहलाना है। सारी भेड़ें देखें कितनी गंदी हुई हुई हैं, इन सब को जो है ना ट्यूबवेल पे नहलाना है आज। कैसे? अल्लाह पाक के फजलो करम से जो है ना ये चेक करें, हवा भी थोड़ी थोड़ी चलना स्टार्ट हो रही है। दुआ करें कि हवा चल आए ना अच्छी खासी, फिर मज़ा है। ये ठंडी मिट्टी पे लेटड़ियाँ लगा रही है, देखना मैं बुलाऊंगा आ जाएगी। उधर जा रही है, मुँह के पास लुक लुक के आ रही है। बिश 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 करती है। फिर कहोगी मैं तंदूर के आगे, तंदूर मेरे आगे। हाँ, आज मेरा हाथ भी दुख रहा है। ये देखिए क्या हो गया, दोनों अंगूठे ऐसे करो। ये देखें जी, ये वाला मोटा हुआ खड़ा है, ये पतला हो गया। क्या बनेगा आपका? ये ना वो कल जो खजी वाली लकड़ियाँ तोड़ रही थी ना, तो उसका क्या कहते हैं, कंडा बोल लेते हैं, थूहा हम कहते हैं उसे, थूहा। बड़े से कांटे नहीं लगे होते वो? इधर से लगा, इधर से आके निकला। वो इसका मसला ये होता है, वो निकल भी जाते हैं लेकिन इतना दर्द और सूजन भी हो जाती है इनसे। पता नहीं वो जहरीले होते हैं, पता नहीं क्या। ओ खैर, मेरी कोयल मामू भी आ गई है आज। कब से इंतज़ार में हूँ, पता नहीं कहाँ है आज, नज़र तो नहीं आ रही है कहीं पर भी। हाँ, सुनाओ सुनाओ, जोर से सुनाओ, चुप कर जाती है। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ओ, इधर से भाग गई हो के ऊपर से गुजर। आज तो मक्खन पीला पीला है माशाल्लाह। मछली भाग रही है। ना ढाओ,
लोटो मटड़ी, किसी दिन सफेद होता है किसी दिन पीला। फूल लेते हैं ना वो बेच डालो तो पीला होता है, वो गाय का दूध होता है ना। और जो ना डालो तो चिट्टा होता है, भेड़ों के दूध का चिट्टा मक्खन होता है। क्या ले आए हो? पेंट खजूर ले आए हो? हाँ जी। वाह, ताज़ा ताज़ा फ्रेश खजूर, वो भी आधी पक्की आधी कच्ची। किधर से तोड़ी है ये खजूर? ये जो छोटी सी खड़ी है ये वाली? हाँ जी। ये देखें, ये जो खजूर खड़ी है छोटी सी ये वाली, इधर से ले आए हो? वाह क्या बात है, आज जम्मू नहीं ले आए? आज जम्मू नहीं, ख़त्म कर दिए जम्मू। हाँ जी। बड़ी हिम्मत की थी यार, स्पीड लगा के मुका छोड़ी है। और कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? यही दुकान नहीं खोली अभी? नहीं, वो चोर आ गया, उसने खोली है। अपू ने कहा कपड़े चेंज करके दे रहा हूँ। भेड़ों को नहलाएं? हाँ जी। जोर से बोला करो, क्यों टेंशन लेते हो? चलो मैं भी ट्यूबवेल चला लिया। हाँ जी। चल गया है? हाँ जी। चलो फिर भेड़े अबू लेके जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ भेड़े नहलाने के लिए। सही है? हाँ जी, इकट्ठे चलते हैं, जल्दी नहला देंगे। सिद्रा आ जाओ, आपको खजाना खवाऊं। खजाना ये देखें, ऐसे नहीं, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठे हाथ से खवा रहा था ना, उल्टे हाथ से, इसलिए सीधे हाथ से। मिठी है, छोटी सी है, भले मिठी तो है ना। मिठी है, शुक्र है तंदूर जल गया है। जब बारिश आती है तो आग जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब की 6 बजे की जला रही हूँ, अभी 8 बज गए हैं। तंदूर अभी जलाया है। हाँ। अच्छा पता ही क्या करो, इधर देखो। हाँ। वो ना जो वो मेरी नीले कलर की सलवार है ना, वो दे दो, मैं पहन के जाऊँ भेड़े नहलाने, क्योंकि ये वाइट है। वो मैंने डाल दी है उधर। डाल दी? हाँ। अब क्या करूँ, और कोई भी नहीं है? नहीं। अभी मैं सारे धो रही हूँ, फिर मैं आपको दूँ, फिर आप वैसे डाल देंगे। वो भेड़ों का नहलाना है ना, ये तो खराब हो जाएगी, ये काटन की है, ये देखे, ये फट जाएगी। फायदा भेड़े जो है ना टकरे लत्ते मारती हैं। फिर वो मैंने डाल दिया अभी मशीन में। और कोई देख लो ध्यान से, ऐसा ना हो फिर आप भी इधर बेहोश पड़ी हो। नहीं, वो उधर पड़ी है चार पाई पे, ढूंढ दो ना कोई पहनने के लिए। पानी उधर गंदा होता है ना, तो फिर वो ये काटन की है, गीली करूंगा ये फट जाएगी। तो लेने आई हो बाली का? मैं भी लेने आया था, वो रो नहीं, रही है। मैं मक्खन रखने आई थी तो आवाज सुनी मेरी, तो ढूंढ रहे थे। वो रो रही है, पीती है नहीं, रोने लग जाती है पता नहीं क्या। और मजे की बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि 2 दिन हो गए हमारे साथ बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि वो देखें इसके जो स्विच है ना ये हो गए ख़राब। और हमें जो मसला पेश आता है वो ये है कि हमारी जो है ना फ्रिज का जो है ना स्विच हिल जाता है रात को अक्सर ही, तो सुबह रात सारी बंद रहती है। ये देखें बर्फ़ भी कच्ची, 2 दिन हो गए ना कोई बर्फ़, बच्चे बर्फ़ लेने आते हैं तो वो जमी हुई होगी तो फिर बेचेंगे ना, ऐसे कच्चा पानी कैसे बेच सकते हैं, तो बड़ा मसला बनता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ इनका, ये 3 स्विच लगे हुए हैं, तीनों ही ऐसे ख़राब हो गए हैं। या तो इधर एक बोर्ड न्यू लगाऊँ छोटा जैसे दूसरे कमरे में लगाया था, फिर तो सही हो जाएगा। क्या ख्याल है सिद्धा? ये इधर जो ये जो बड़ा सा बोर्ड लगा है ना, इसके 3 स्विच ख़राब हो गए हैं, या तो स्विच चेंज करूँ। ये जो ये वाले होते हैं जिसमें स्विच लगाते हैं वो वाले, या तो इसमें स्विच लगाऊं या फिर वो क्या करूं बोर्ड न्यू लगाऊं। ये अक्सर आज भी 2-3 रात को मैंने देखा फ्रिज बंद, सुबह देखा फ्रिज बंद, स्विच हिल जाते हैं बंद हो जाती है, खुद ब खुद करंट छोड़ जाती है, पता नहीं क्या। वही खराब है ना, ये पहन लूं? चले जी ये पहनते हैं, फिर चलते भेड़ों को नहलाते हैं। ओके हो गया। सब्ज तूरी के फूल चेक करें जी, ये देखें
और उसमें मक्खी भी, मधुमक्खी होती है क्या होती है, वो भी रस चूस रही है। और ये चेक करें भिंडी, ये सब्ज़ मिर्चें भीजी हुई हैं, ये देखें मोटर लगी हुई है, और ये सोलर सिस्टम, ये चेक करें। ये भी किसानों के लिए ना कुछ, चलो फ़ायदा हो गया, एक बार पैसे लगा लिए हैं, आगे धूप में चलती रहती है। अभी ये चलाएंगे तो फिर दिखाऊंगा। हमें भेड़ें नहलानी है, वो देखें बैठी हैं, गर्मी की बेचारी मर रही हैं। ट्यूबवेल चलेगा तो नहाएंगे ना इनको, अभी रेस्ट कर रही हैं इधर रोड पे बैठ के। देखें जी पानी आ गया है, लेकिन अभी जो है ना कम है, धूप कम है ना, उधर छांव है प्लेटों पर, इस वजह से जैसे धूप बढ़ती जाएगी तो पानी और भी ज़्यादा हो जाएगा, फुल पानी होता है वहाँ पर। भेड़ों सबको नहला दिया है और अब वो लेके जा रहे हैं अभी चराने के लिए। और निकाह का मैंने पूछा है तो अब उन्हें कहा 10-11 बजे गर्मी हो जाती है, वापस आ जाएंगे तो फिर करेंगे फैसला। ये देखें जम्मू भी उठा लिए हमने, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो? माशाल्लाह, उठ के हो, नाश्ता हो गया तैयार? हाँ, हम गए थे खुद नहाने और भेड़ों को नहलाने, अभी अभी आ रहे हैं वापस। खुद नहा भी लिया, भेड़ों को भी नहला दिया, और पास में जामन खड़े थे वो भी देखे तोड़ ले आए। आज जो है ना सुबह सुबह खर्चे कर दिए हैं आपके लिए। बिल्कुल ध्यान से हो करीम भी आराम से बैठ जाओ। माशाल्लाह, रोटियों को घी भी लगा लिया, मक्खन लगा लिया। अब ये कहाँ करूँ मैं, वो टोकरी कहाँ है? मेरी बात सुनिए, अभी ये ऊपर वाला फ्रिज के खाने में रख दें। खाना खा के ना ये ठंडे ठंडे हो जाएंगे, फिर बांटेंगे। क्या बात है, मशवरा तो अच्छा दिया है, मस्त है। पर वो मसला पता क्या है, मसला कश्मीर है, जो आता है फिर वो उठा के ले जाता है अपनी मर्जी से। चौकीदार बिठाएंगे ना, सब लोग बाहर अंदर लगा के रखेंगे। चलो सही है, लगा देंगे, जो भी जाएगा ना गार्ड उसके पीछे जाएगा। ओके हो गया जी। ये मक्खन रखते हैं जी इधर, और ये देखें पानी भी ठंडा नहीं हुआ क्योंकि फ्रिज बंद कर देते हैं ना, और बच्चे जब बीमार होते हैं, ये देखें हमारे फ्रिज में स्टोर लगा हुआ है दवाइयों का। ये आपकी दवाइयां हैं, वो रखी है वो। चलो रोटी खाते हैं, चलो इसको करते हैं बंद। भा नहीं आ रही थी, धुआं आ रहा था। मेरी सिद्रा जो है ना इधर बाल्टियां लेके खड़ी है, पता नहीं क्या हो गया। अभी मेरे और तो कपड़े नहीं है पहनने वाले, अब मैं क्या करूं, ऐसे ही घूमता रहूं, सूख जाएंगे। तीन सूट पड़े हैं, वो भी इस्त्री वाले हैं, एक दो कॉटन वाले, एक स्टेपल वाला। अच्छा चलो देखते हैं क्या करना है। अभी वो बात सुनो, क्या उसे कहते हैं, आज कितने कपड़े रह गए? थोड़े से रह गए। आज क्या दिन है, जुम्मा? हाँ। सोच रहा था शहर के बारे में, फिर वो ये बात तो सोच ली है कि अबू आगर ने कहा मैं आऊँगा, तो फिर वो निकाह की डेट फिक्स करेंगे, वो बताएंगे। सुबह बता के तो गए हैं, आपने नहीं सुना? नहीं, मुझे नहीं पता, वो मैं अभी उनसे टकरा हूँ, उसने कहा मैं आऊँगा 10-11 बजे, फिर बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हमें इधर बता के गया, आपको भी बता के गया कि जिनको बुलाना है बताना है, आज कॉल करके बता दो सबको। रात को कॉल करेंगे सबको। लस्सी का मटका आध में आ गया है, और अभी जो है ना खाना स्टार्ट करते हैं। अम्मी जो है ना देना स्टार्ट कर दिया है, आलू और रोटी। किधर आ रहा है? Thank you.
सारे इधर आ रहे हैं क्या? फिर कैसे बैठेंगे? इधर जगह नहीं है। आ जाओ आ जाओ। रोटी हम माँ चाह देसी आ जाओ। बोटी बोटी बोटी। क्या? बोटी बोटी। ये बोटी है, आलू है ना? आलू आलू आलू। हाँ चलो इधर आ जाओ। हैं? पापा बीबी ये छोटे कट्टे बैठे हैं। सिद्धि थाई बैठी है वो पौधे खाती बासी। इमें नहीं अखिना ये इसको क्या हुआ है? ये इधर बैठ के खाएगी रोटी। अच्छा चलो फिर बैठ जाओ आप भी। क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ गई हूँ। ओह ओह क्या है? अक्सा अक्सा बीबी मैं आ रहा हूँ। आप मेरी मोटर खराब कर रही हो। मैं आ रहा हूँ। अंधा पे मैं अंधा पे खड़ 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 पकड़ी पकड़ी अक्षा को पकड़ी। ओए होए होए कभी कभी हवा का झोला आता है ना बड़ा हाँ। मजेदार लगता है। पापा ठट्टी ठट्टी हवा आ रही है। हाँ ठट्टी ठट्टी हवा आ रही है। दर्द है? हाँ। पापा इंजेक्शन लगवाए? ठीक हो जाएगा ना? नहीं रुखे आलू ना खाया करो, कौड़े होते हैं। इधर बैठ जाओ, इधर थोड़ा पीछे हो जाओ शायद ऐसे। चलो ये जामुन जो है ठंडे हो चुके हैं, ले आओ इधर उधर टोकरी में डालो, देखते हैं कैसे लगते हैं खुले खुले माहौल में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते खुले ना पे हम दरी। हाँ वाला आज जिथे गंजी कुटी पई मरी। केरी कुटी गंजी। खड़ो खड़ो फाड़ दिया है इसी तरह ने साकर भी। होए 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 हाथ ना मारो गंदे हो जाएंगे इसके ऊपर। पापा एक तेल उला हां पानी ढेर ना लगाओ या के ये स्पेशल मैंने भेड़ों को नहलाया और मैंने कासिम भाई को ऊपर चढ़ा दिया। मैंने कहा आप जम्मू तोड़ के आओ रख दो। हाँ आप देखें इनको थोड़ा थोड़ा पानी फेर के आओ फिर अम्मी को दो बांटेगी। ऐसे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा दो फिर सही हो जाएंगे। पहले पता नहीं क्या कर रही थी फिर डाल दिए सारे। नहीं हो मैं लकड़ी जरा ऊपर था हुआ तोड़ रही थी। अच्छा चलो सही है। ये सुबह सुबह गोले खा रहे हो? मामू ने मुझे भी दिया। हाँ मामू ने आपको दिया है। अभी मेरे देखे रो रहे हैं उनको नहीं दिया है। साथ में नहीं थे ना पता नहीं कहाँ चले गए थे। जब बांट रहा था ना ये ब्यादरी थी वो ब्यादरी पता नहीं कहाँ मसरूफ। हाँ माशाल्लाह धुल गए हैं अंतरू पड़े थे। ये देखे कैसे लग रहे हैं। किसी को खाने हैं तो आ जाए जी। उनको तो सही क्या हो गया है? गतरे बोड़े लग रहे हैं। गतरे बोड़े गतरे बोड़े दो दो। चले जी हम तो खाते हैं जामुन। किसी को पसंद है तो आके खा सकता है और साहब ने बताना है किस किस को पसंद है जामुन। बिल्कुल सही बात। आपको पसंद है? वाह जी वाह। अभी मैं जिस लड़े पे गया हुआ था ना उस पे आपको तो भेजा था आपने। 3 घंटे लगा दिए हैं। एक शापर सारी भेड़े नहला दी हमने इनसे आधा शापर भरा। हाँ खाओ खाओ वो जामन खा लो फिर ये फिर निकालना उधर कुखो से जामन लो। हाँ जामन पहले हजम करो नहीं तो मुक जाएंगे। क्या है क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं। कुछ सोचा हो तो मुझे बता दिया करो जल्दी जल्दी। क्यों उससे क्या हो जाता है? मुझे तो बता सकते हैं ना। गरम हो जाएंगे फिर। मुझे भी नहीं बताएंगे? ओ खैर ये तो झगड़े वाली बात हो गई शुरू फिर से आज। झगड़े वाली बात नहीं है। अगर एक बंदा परेशान है तो दूसरे को बताए फिर दूसरा परेशान है दूसरा। क्या पता मुझे बताने से आपकी परेशानी हल हो जाए फिर ये भी तो हो सकता है ना।
हाँ खाओ खाओ, गटके नहीं खाओ, जामन खाओ। सारे कपड़े जो है ना ये देखें लटकाए हुए हैं, इधर भी कपड़े, इधर भी कपड़े, इधर भी, अभी भी मशीन जो है चल रही है। बस ये थोड़े से दो चार रह गए हैं, पता नहीं कितनी देर है अभी तक, और भी है अभी। वो देखें, वो भी सारे कपड़े सुकड़े पाए हुए हैं। आज तो कपड़ों की अखीर लगी हुई है, इधर भी लंडा, उधर भी लंडा, इधर भी कपड़ों का लंडा लगा हुआ है, ये चेक करें। तो अभी जो है ना अब्बू जी जो हैं वो आ गए हैं, और अभी सलाह मशवरा जो हुआ था रात वो आपको बताते हैं, सरप्राइज़ देते हैं, निकाह की डेट फिक्स फाइनल करते हैं, फिर इतला करेंगे, देखेंगे कौन कौन आता है। इधर अभी चल रहे हैं किचन में, सब जो है ना इधर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाएं, शुक्रगुजार आ गए हैं। हाँ जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप सुनाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो काफ़ी हाई लेवल है। हाँ जी, गर्मी का लेवल हाई क्वालिटी पे चल रहा है, लो क्वालिटी भी नहीं है, सुपर हिट क्वालिटी हाई है गर्मी की। सब बच्चे बड़े आ गए हैं, इधर बैठते हैं, फैसला करते हैं। फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है, डेट बताते हैं। ये सित्रा, हाँ निकाह दुआ की जो डेट है ना वो सोच ली है। हाँ वो सोच ली है, करना जो है ना आज बता रहा हूँ फिक्स करके। अच्छा, वो जो है ना इस डेट को निकाह करना है। हाँ सही है, चांद की जो है वो है 16 तारीख। अच्छा, अंग्रेजी की जो है ना वो है 23 तारीख। अंग्रेजी की 23, चांद की 16, 23 चांद की 16। हाँ ये जो है शाम 4 बजे थे, 4 बजे, 4 बजे निकाह होगा, 4 बजे के पीछे। हाँ, 4 बजे कहीं टाइम भी, कहीं टाइम भी 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद बाद जो है ना ये निकाह होगा। हाँ, निकाह किसी को आना है तो आ सकता है, सबको हमारी तरफ से कांटा है। हाँ जी, भाग के आ जाए, मिठाई निकाह वाले दिन बांटेंगे इंशाल्लाह। कह रही हूँ ना, जिसने खानी हो तो आ जाए, भाग के निकाह वाले दिन, फिर ना मिठाई नहीं मिली। बिल्कुल, ये बात तो है। ये जो डेट फिक्स की है, आपको खुशी हुई है कि नहीं? बहुत खुशी है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, बहुत खुशी है माशाल्लाह, खुशी हुई। आप जैठाओ, आपको कहाँ उठा के ले जाए, अभी तो डेट फिक्स हुई है, हैं? ये जो है ना वो ये भी बता देना कि दिन कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा, तकरीबन मंगल, मंगल का दिन होगा जी, कोई हाँ मंगल, आज जुम्मा, हफ्ता एतवार सोमवार मंगल, मंगल चौथे दिन तो। हाँ, तीन दिन बाद इंशाल्लाह निकाह है आसन भाई का। हाँ जी, तो जिस जिसने शिरकत करनी हो आ सकता है, मोस्ट वेलकम, दिल की गहराइयों से सबको, सबको इनविटेशन हो गया, सबको इनविटेशन, सब देखने वालों को, अपने रिश्तेदार हैं, फैमिली है, यूट्यूब वाली जो भी आना चाहे सबको इनविटेशन है। हाँ जी, आए शादी में हमारी शरीक हो, खुशी में इंशाल्लाह भरपूर साथ देंगे हम, हमारा भी साथ, खाना भी खिलाएंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, सब कुछ खिलाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। चलें जी, ओके हो गया, ये ओके हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आप टाइम पे आके हमें बता दिया, हम तो कब से इंतजार में बैठे थे, आपने कर दिया है, तो हम अपना व्लॉग भी रोक पे रखे थे कि आप आएंगे, ऐलान फरमाएंगे, हमने ऐलान कर दिया है, आपका व्लॉग पूरा हो गया, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया आपने। चलें, ओके हो गया जी, अभी हमारा व्लॉग तो एंड हो गया है, अल्लाह हाफिज़।